अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के एमएसडब्ल्यू विभाग द्वारा गोद लिए गए गांव सुनौरा में विश्वविद्यालय के तत्वाधान में दंत चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। जैसा कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के एमएसडब्ल्यू विभाग के द्वारा गांवों को गोद लेकर उनके विकास का जिम्मा उठाया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें स्वच्छता, स्वास्थ्य जैसे विषयों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उसी क्रम में बुधवार को सुनौरा गांव में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा के डॉक्टर जयपाल और डॉक्टर प्रतिभा ने गांव के बच्चों का दंत परीक्षण कर उन्हें दवाइयां बांटी। इस दौरान डॉक्टरों के द्वारा बच्चों को कई प्रकार की जानकारियां भी दी गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है और भोजन हमारे मुँह से होकर जाता है। भोजन के लिए दाँतों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ब्रश कितनी बार करना चाहिए, इसे कब बदलना चाहिए आदि दांतों को स्वस्थ रखने के उपाय इस शिविर के माध्यम से गांव के लोगों तक पहुंचाए गए। और पानी साफ पीते हो? जी मैम। सबके घर में शौचालय बनाए कि बंद है? यस मैम। आ जा तू। नो आज यहाँ शिविर हम लोग ने आयोजित किया है। शिविर में दो चिकित्सक, दंत चिकित्सक यहाँ के आए हैं, डॉक्टर जयपाल सिंह जी और डॉक्टर प्रतिभा जी। आपने देखा है कि अभी वो सबका परीक्षण कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का, जिनको भी तकलीफ है कि नहीं है। और काफ़ी तादाद में देखिए लोग, बच्चे आए हैं, करीब 100 की संख्या में बच्चे हैं। और ये गांव के निवासी जो हैं सनौरा के, ये आ रहे हैं, उन्होंने हिदायत भी दी और बताया कि मुख से सभी कुछ जाता है और मुख मेन कारण है कि आपकी अन्य बीमारियों का, तो उसको किस तरह से हम स्वच्छ रखें कुछ टिप्स बताए उन्होंने और उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ दे करके दवा भी दे रहे हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के समाजकार विभाग द्वारा ये शिविर लगाया गया। पूर्व में भी जो ग्रामीण जागरूकता, मतलब ये जो सामाजिक उत्थान और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य को लेकर विश्वविद्यालय द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इस गाँव को विभाग द्वारा गोद लिया गया है और पूर्व में भी यहाँ कार्यक्रम हुए हैं।